हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों के साथ एक नया प्रश्न डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि इतिहास से संबंधित है। चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या है 63। हाल ही में बहुत चर्चित एक महापाषाण डोलोमेन साइट मुत्कोनाजे किस राज्य से संबंधित है? तो भी हाल ही में जो है ये जो मेगालिथिक मध्य पाषाण युग की जो डोलोमेन साइट है उस पर खोज हुई, तो ये बताना है ये किस राज्य से संबंधित है। तो इसके चार ऑप्शन हैं। ए है महाराष्ट्र, बी है जम्मू कश्मीर, सी है राजस्थान, डी है कर्नाटक। तो इसका सही जवाब है ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है जो डोलोमेन साइट है। ये कर्नाटक राज्य के दक्षिण कन्नड़ में स्थित एक जो है मेगालिथिक डोलोमेन साइट मुदको नाजे में एक पुरातात्विक अन्वेषण किया गया जिसमें यह पता चला कि विभिन्न राज्यों में संरक्षित अद्वितीय टेरा कोटा मूर्तियां पाई गई हैं। तो जो हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं जो मिट्टी की मूर्तियां गाय बैल या मोर मछली सांड या कोई नर्तकी जो कि चीनी मिट्टी मिट्टी की बनी होती थी वो जो है उनकी एक बहुत बड़ी साइट जो है यहाँ कर्नाटक में मुदको नाजे में पाई गई है। ये जो मिट्टियाँ हैं मिट्टी की मूर्तियाँ हैं जो कि हमें खुदाई से प्राप्त हुई हैं वो विभिन्न राज्यों से मिलती जुलती अद्वितीय मूर्तियाँ हैं। इन मूर्तियों की जो उम्र लमसम बताई जा रही जब ये बनाई गई थी ये 700 से और 800 से 700 ईसा पूर्व से संबंधित हैं। बता दें कि ये जो भारत में मेगालिथिक संस्कृत अपने विभिन्न प्रकार के जो है दफनाने के तरीके और लोहे के उपयोग के लिए जानी जाती है। तो यहाँ पे जो जब इन कब्रों की खुदाई हुई तो यहाँ पे बहुत सारी कब्रें थीं लेकिन सभी क्षतिग्रस्त हो गईं। सिर्फ दो ही कब्रें सही निकलीं जिसमें से कि कुछ सुरक्षित मूर्तियाँ और लोहे के सामान बरामद हुए और सारी नष्ट हो चुकी थीं। तो इसलिए ये साइट बहुत ही चर्चा में का विषय बन गया है। यह सबसे बड़ा महापाषाण डोलोमेन स्थल है। ये जो है सबसे बड़ा जो है डोलोमेन स्थल है। इसमें एक पत्थर की पहाड़ी की ढलान पर 9 डोलोमेन शामिल हैं। तो इसमें जो है ये एक पहाड़ की ढाली के बगल में है तो इसमें 9 डोलोमेन शामिल थे जिसमें कि 7 तो पूरी तरह से बर्बाद ही हो गए थे, 2 ही सिर्फ अच्छे निकले थे। तो इसलिए ये जो है प्रश्न बहुत ही चर्चा में आ गया है। तो ये जो टेराकोटा की मूर्तियां हैं या लौह धातु के प्रयोग के बहुत अच्छे जो अवशेष हमें इस साइट से प्राप्त होते हैं। तो और ये जो है सबसे बड़ा महापाषाण काल डोलोमन स्थल दक्षिण भारत का है तो इसलिए ये बहुत ही चर्चा का विषय हो जाता है और एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसी के साथ सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।